गोबर का अमृत पीने वाला हुआ बीमार तो बॉलीवुड सिंगर ने दे दी नसीहत, गोबर खाकर ठीक हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। गौमूत्र को कोरोना वायरस का रामबाण इलाज बताने जा रहा है। कई हिंदूवादी संगठनों ने बीजेपी के लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र के सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, लेकिन ये दावे कितने बेबुनियादी, इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब कोलकाता में गौमूत्र पीने से एक नागरिक स्वयं सेवक बीमार पड़ गए, जिसके बाद गौमूत्र पीने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोमवार को उत्तरी कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता 40 वर्षीय नारायण चटर्जी ने एक गोशाला में गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को गौमूत्र से यह कहकर पिलाया था कि इसके सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा भी किया है कि गौमूत्र पहले से वायरस से संक्रमित लोगों को भी ठीक कर सकता है। चटर्जी के इस दावे पर भरोसा करते हुए एक नागरिक स्वयं सेवक ने भी गौमूत्र का सेवन कर लिया और वो बीमार पड़ गया, जिसके बाद उसने चटर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत पर कार्रवाई करते पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वही इस मामले में बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने तर्ज कसते हुए लिखा, अगर ये मरीज सच्चा श्रद्धालु है तो गोबर खाकर ठीक हो जाएगा। पार्टी के आयोजक महानुभाव को तुरंत किसी भाजपा शासक राज्य का मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। बाकी जितने महान वैज्ञानिक गौमूत्र सेवन का प्रचार कर रहे हैं, आज भी प्रयास अवश्य कीजिए। पार्टी का आयोजक महानुभाव को तुरंत किसी भाजपा का राज्य मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा तंज कसा है। बाकी जिले भी इसी तरह से गौमूत्र पीकर अपना कोरोना वायरस मिटा सकते हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गाय माता की जय बोले। आपको बता दें, इससे पहले 14 मार्च को दिल्ली के अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस पार्टी के करीब 200 लोग शामिल हुए थे। उन्होंने गौमूत्र पिया। इस पार्टी के आयोजकों ने भी कोरोना वायरस को भगाने के लिए पार्टी का आयोजन का दावा किया और यह भी कहा था कि ऐसी पार्टी का आयोजन पूरे देश में करेंगे और कोरोना वायरस को भगाएंगे। तो ऐसे हिंदूवादी और अंधभक्तों से एक ही है, वह कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। वो तीन चले जाए और वहाँ पर घूमें और गौमूत्र पिए, और जो कोरोना वायरस संक्रमित है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। गाय साथ है, उनके गोबर और गौमूत्र खाएं, उनका कोरोना वायरस और कोई भी बीमारी नहीं होगी। उनको तो कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, वो गाय के गौमूत्र और गोबर से अपना इलाज कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंधभक्त सुधर जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, कोरोना वायरस तुमको ले बीतेगा। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए।